प्रेजेंट बाय एनकैश मीडिया। पूरे हिंदवासियों की ओर से भारत सरकार से ये मांग करता हूँ कि अपना कानून बदलकर ऐसे बलात्कारी भेड़ियों को सरेआम फांसी पर चढ़ा दें, वरना अब की बार हम लोग कैंडल नहीं रस्सी लेके निकले हैं और सजा हम खुद देंगे। देखिए इस शख्स को, हैवानियत का जीता जागता पुतला। जी हाँ, गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद उनकी जीवनी का बखान करके राजपूत समाज और संगीत की दुनिया में अपना एक मुकाम बनाने वाले बाटमेर के कोटड़ा निवासी छोटू सिंह रावणक, जिन्होंने कम उम्र में ही राजस्थानी संगीत गायकी में अपना एक मुकाम हासिल किया, भजन संध्या और लाइव प्रोग्राम करके अपनी आवाज के हर जगह काटे झंडे। जो शख्स अपनी गायकी में औरतों और माँ बहनों को सम्मान की नजरों से देखने का संदेश लोगों तक पहुँचाता था। ना पापा मैं लौट के आऊं तेरे इस जहान में, दुनिया सारी घूर के देखे पग पग पर हैवान है। देखिए असलियत में उसकी हकीकत क्या है। जी हाँ, यह है छोटू सिंह जी रावणा। आसाराम बापू के बाद अगर दूसरा नाम इनका लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यौन शोषण करने के बाद अभी तक आसाराम बापू भुगत रहे हैं सलाखों के पीछे अपनी सजा, और इस शख्स ने भी बनाया एक नाबालिग लड़की को अपना शिकार। जी हाँ, छोटू सिंह रावणा ने एक नाबालिग लड़की को नित्य सिखाकर अपनी मंडली में शामिल होने का झांसा देकर उस लड़की के साथ बनाए शारीरिक संबंध, और वो जब गर्भवती हो गई तो उसको ब्लैकमेल करने लगा और उसका गर्भपात गिराने के लिए उसका अश्लील वीडियो और उसके अश्लील फोटो उसको दिखा दिखा कर उसको ब्लैकमेल करने लगा और उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाने लगा। जी हाँ, ये वही शख्स है जो अपनी भजन और गायकी में कभी गौ माता और कभी देवी देवताओं के बखान करता था, और ये आज पुलिस से मुंह छुपाता फिर रहा है। जी हाँ, जोधपुर जिले की रतनाड़ा क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग लड़की को पहला फुसला कर उसे नित्य सिखाकर अपनी मंडली में शामिल करने के बहाने बाटमेल बुलाया करता था। जून 2018 में छोटू सिंह रावणा ने उस नाबालिग लड़की को पूरी तरह अपने जाल में फंसा कर उससे शारीरिक संबंध बना लिए, और वह जब गर्भवती हुई और उसको गर्भपात करवाने के लिए दवाई ला कर दी, जब उस नाबालिग लड़की ने उस दवाओं का सेवन किया तो उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब पूरी हकीकत का मालूम उस नाबालिग लड़की के पूरे परिवार को पड़ा और उन्होंने रतनाड़ा पुलिस थाने में छोटू सिंह रावणा पर केस दर्ज कराया। तभी से आरोपी छोटू सिंह रावणा फरार चल रहा है और पुलिस से अपने पकड़े जाने के डर से इधर उधर भागता फिर रहा है। एक शख्स ने उस लड़की को ब्लैकमेल करने के लिए उसे अश्लील फोटो व वीडियो बना लिए, जिन्हें दिखाकर अपना हैवानियत का गंदा खेल खेल रहा था। पूरे हिंदवासियों की ओर से भारत सरकार से ये मांग करता हूँ कि अपना कानून बदलकर ऐसे बलात्कारी भेड़ियों को सरेआम फांसी पर चढ़ा दें, वरना अब की बार हम लोग कैंडल नहीं रस्सी लेके निकले हैं और सजा हम खुद देंगे। जी हाँ, ये मासूम सा दिखने वाला शख्स छोटू सिंह रावणा, जिसने खेली एक नाबालिग के साथ एक घिनौनी साजिश, उस साजिश से बनाई उस लड़की की जान पर